राधिके शरणतमके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जयकिरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों मैंने अपने पिछले वीडियो में यूट्यूब पर आपको गृह प्रवेश के मुहूर्त बताए थे, इसमें अप्रैल मई तक मैंने बताया था। इस वीडियो में माह जून में जो गृह प्रवेश के मुहूर्त मिल रहे हैं और वह मुहूर्त किन तिथियों को किन राशियों के लिए सुटेबल होंगे, किन के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो साथियों मैंने देखा कि जो हमारे पुरोहिताई काम लोग पंडित जी लोग कर रहे हैं, बिना चंद्रमा की शुद्धि किए मुहूर्त बता देते हैं आपको जो। साथियों यह बहुत गलत बात है। यजमान को सही बात बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि चंद्रमा चौथे आठवें बारहवें चंद्रमा अशुद्ध माना जाता है। अगर हमने इन चीज़ों का विवेचन नहीं किया मुहूर्त में तो शुभ परिणाम प्राप्त होने में संदेह पैदा हो जाता है। तो मैं आपको चंद्रमा शुद्धि बल के आधार पर, चंद्रमा के शुद्धि बल के आधार पर, जैसे कि पंचांगों में लिखा रहता है विवाह में त्रिबल शुद्धि, उसी तरह से साथियों अन्य कार्यों में अन्य मुहूर्तों में विशेष शुद्धि न लिया जाए, लेकिन चंद्रमा शुद्धि तो विशेष आवश्यक होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा की शुद्धि से सब कुछ शाम शुद्ध होते हैं, क्योंकि मुख्य ग्रह जो है आपके सूर्य चंद्रमा हुए। यदि आप साथियों हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हो रहे हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। तो साथियों आइए बताते हैं माह जून में गृह प्रवेश का मुहूर्त। साथियों बहुत छोट छाट बीट करके ये मुहूर्त मैंने निकाले हैं, मुहूर्तों का बहुत अभाव है। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के उपरांत, देखिए 3 जून का मुहूर्त मैं बता रहा हूँ, 3 जून 2023 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा में, क्योंकि रिक्ता चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है, रिक्ता तिथि में कोई शुभ काम हम नहीं करते हैं। तो रिक्ता तिथि जब समाप्त होगी उसके बाद ये हमारा मुहूर्त चालू होगा, पूर्णिमा में ये हमारा मुहूर्त होगा। तो प्रातः 10:33 पर, मतलब ये चतुर्दशी के उपरांत का मुहूर्त है, प्रातः 10:33 से 12:47 तक ये वाराणसी और दिल्ली के आसपास सब जगह ये ग्राह्य होगा। उसके बाद साथियों 21 जून आषाढ़ कृष्ण आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया आएगी, कुछ नक्षत्र होगा उस दिन। साथियों नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा की संज्ञा दी गई है। पुष्य नक्षत्र में कोई आप काम कर लेते हैं तो काम आपको सफल होता है। विवाह के अलावा अन्य सारे कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत प्रशस्त माना जाता है। तो उस दिन साथियों 9:22 से 11:36 तक वाराणसी में और 9:36 से 11:54 तक यह दिल्ली में उस दिन का समय रहेगा। अब साथियों 3 तारीख और 21 जून दो मुहूर्त मैंने बताए हैं। तो 3 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसलिए सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि के जो जातक होंगे इनको छोड़ करके शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त आपके लिए लागू होगा, ग्राह्य होगा। अब दूसरे साथियों जो 21 जून को मैंने मुहूर्त बताया, तो चंद्रमा उदिन कर्क राशि में है। अब देखिए कर्क राशि में भी 21 जून का भी मुहूर्त है, घूम फिर के वही आ गया, सिंह मेष धनु आया था, मेष धनु सिंह, मतलब यही 3 राशियों को इसमें भी गृह प्रवेश का समय नहीं है। तो यह मेष सिंह और धनु ये 3 राशियां जो अग्नि तत्व की राशियां हैं,
इन राशियों के लिए माह जून में गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है। जल्दी ना करें, आप आगे भी कोई मुहूर्त देखेंगे जुलाई में, फिर कर लीजिएगा। मुहूर्त का अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मुहूर्त जो है उसी में आपको काम करना चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको माह जून में जो दो मुहूर्त मिल रहे हैं गृह प्रवेश के, उससे मैंने आपको अवगत कराया। आशा है कि आपके काम की वस्तु होगी और आपने हमारे चैनल को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई बातें आपको समय से पता चलती रहें, आप अपडेट होते रहें। और आपके दिमाग में कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपकी समस्या से अवगत होते हुए उसका निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।